नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन तैयारी में। तो आज हम बात करेंगे जियोग्राफी नेट में आए हुए क्वेश्चनों की और उनके आंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, जिसके अंदर लिस्ट फर्स्ट में कुछ दिया गया है और लिस्ट सेकंड में कुछ दिया गया है, उनका मिलान करना है। तो पहले में दिया गया है कि 6 स्ट्रॉन्ग, 7 डिस्ट्रक्टिव, 10 डिजास्ट्रियस, तो इनको इनमें मिलान करना है और सही उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर होगा थर्ड, ए में दूसरा, बी में चौथा, सी में पहला और डी में तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट सीक्वेंस फ्रॉम लैंड टू सी, जिसके अंदर आंसर होगा बी या सेकंड, कॉन्टिनेंटल शिप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सी प्लेन एंड ओशन डीप्स। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो दिए गए 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है तथा दूसरा तर्क है। तो आहार श्रृंखला के अंत में आने वाले जीवों को अपना आहार प्राप्त करने के लिए काफ़ी बड़ी क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है और इसका तर्क दिया गया है पादप से दूर की श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। तो इसके अंदर सही आंसर होगा 3, जिसमें ए सही है किंतु आर गलत है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने विचारित असंतुलित विकास की नीति की वकालत की है। तो इसके अंदर एओ हॉर्समैन ने इसकी वकालत की है, तो ये सही आंसर होगा। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, इसमें भी एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो अब सीमाएं राज्यों के बीच संक्रामित होने के बताए गए भौगोलिक प्रदेशों के मध्य संक्रामी होती हैं और तर्क दिया गया है यह अभिकेंद्रीय बल को की अभिव्यक्ति है। तो इसके अंदर आंसर होगा तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब छठा क्वेश्चन है, जिसमें अपरदन की प्रक्रिया में विलयत के द्वारा पदार्थ का अपनयन या रिमूवल कहलाता है। तो इसके अंदर इसको कहते हैं संक्षारण। सातवें क्वेश्चन की बात करें, तो क्षेत्रीय बसाव के संगठन के लिए केंद्रीय स्थान प्रणाली का के बराबर 7 है का क्षेत्र सिद्धांत संचालन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये इसके अंदर होगा प्रशासनिक सिद्धांत पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो समाक्षरण मॉडल के वितरण कार्य वाई एक्स में वाई बराबर ए प्लस बी एक्स प्लस ई है, त्रुटि को समेशन ई बराबर 0 के रूप में परिभाषित किया गया है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा वाई वाई बार और वाई कैप को क्रमशः वाई के अनुमानित आश्रय मूल्य, चर के मूल्य और माध्य के दिए गए मूल्य के रूप में सही निर्दिष्ट करता है। तो इसके 8वें के अंदर होगा आंसर सी, समेशन वाई माइनस वाई कैप बराबर 0। तो 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया गेट्स रेनफॉल फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन। 10वें की बात करते हैं, तो भूगोल में वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसके अंदर किया गया है ई कॉन्ट द्वारा। अर्थव्यवस्था के प्रकारों को उनकी विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, जिसके अंदर आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि इसका आंसर होगा दूसरा, जिसके अंदर पहले में चौथा, दूसरे में बी में पहला, सी में तीसरा और डी में दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसके अंदर ऑप्शन तीसरा होगा WM डेविस। तेरहवें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है, तो इसके अंदर उत्तर होगा चौथा, यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने के अभिमुख होते हैं।
चौदहवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसने पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया, तो इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना में यह हुआ है, तो यह हुआ है आठवीं पंचवर्षीय योजना में। अब क्वेश्चन 15 की बात करते हैं तो एट ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इन फ्रेश वाटर डेनिसिस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व कितने डिग्री पे होता है, तो इस पे होता है ये, इसका आंसर है बी, जिसके अंदर 4 डिग्री सेल्सियस पे ये अधिकतम होता है। ठीक है, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, जिसके अंदर नवजीवक, मध्यजीवक, सिनोजीवक और पूराजीवी के को मिलाना है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी होगा, पहले में तीसरा, बी में पहला, सी में दूसरा और डी में चौथा। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो यह व्यक्तित्व वर्तमान भूतकाल की कुंजी है किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो यह प्रतिपादित किया गया जेम्स हट्टन द्वारा। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो हु अमोंग द फॉलोइंग डिफाइंड जियोग्राफी एज ए क्रोनोलॉजिकल साइंस, तो ये किया गया है ए हिटनेर द्वारा। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि सम्मिलित नहीं है, तो इसके अंदर लातूर नदीय बाढ़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो उपरोक्त चित्र का एक विशेष मॉडल की व्याख्या करता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें ये जो चित्र दिखाया गया है उसके हिसाब से आपको ये आंसर करना है, और इसका आंसर होगा सेंट्रल प्लेस मॉडल। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो रेड जल की वास स्थान की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अब इनमें से एक भी सत्य हो सकता है, एक से ज़्यादा भी असत्य या सत्य हो सकते हैं, तो 21वें क्वेश्चन में आंसर होगा इसका डी, केवल एक और सी, इसमें ए में यह है कि यह वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सजीव विकसित होते हैं, तथा सी यह है कि यह मानव समाज और किसी स्थानिक संगठन और उसकी भौतिक अवस्थिति के बीच में संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णन किया है, तो यह वर्णन किया है आई बर्टन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 के अंदर ज्वार भाटा तथा चांद और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा होने वाले बल की पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी, तो इसके अंदर होगा आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए हैं। फिर बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की तो 24वें क्वेश्चन में है सुदूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपको पता ही होगा जैसे कि नीले का होता है, तो इसका आंसर होगा नीला। 25वां है मध्य अक्षांश चक्रवात बनाने के संबंध में निम्नलिखित पदों में से सही पद का चयन कीजिए, तो इसमें से एक भी आंसर हो सकता है या एक से ज़्यादा भी, तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए बी और सी, यानी वायुदाब या ढाल का बल, कोरिओलिस बल और पृष्ठीय बल, घर्षण बल, ये सब होते हैं। तो चलिए बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। 26वें क्वेश्चन में है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या की विशेषताओं के साथ सम्मिलित कीजिए, जिसमें एक तरफ राज्य का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जनसंख्या की विशेषता दी गई है, तो इसका आंसर बी होगा, जिसके अंदर दूसरा होगा, जिसमें ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में चौथा और डी में पहला होगा। अब बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की तो रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इसके अंदर
रिया तट जो है वो निंगमन ऊपरी भूमि तटरेखा का उदाहरण है। बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की, किसी क्षेत्र में ग्रामीण बसाव के वितरण का प्रारूप क्या होगा यदि निकटतम नेबर स्टेटिक्स के अनुसार उसका सूचकांक 2.10 है, तो यह होगा समरूप। 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विश्व के निम्नलिखित में से किस स्थलीय भाग में 21 जुलाई 1983 को न्यूनतम वायु तापमान -89 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था, तो यह अंटार्कटिक में किया गया था। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित औद्योगिक विनिर्माण भूगोल में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदों में से उनकी व्यवस्था के साथ सुमिलित कीजिए, तो 30वें क्वेश्चन के अंतर्गत होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, A3, B4, C1 और D2। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो संभववाद के जनक कौन है, तो संभववाद के जनक है एल फेब्रे। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का आवश्यक भाग नहीं होता, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का भाग नाइट्रोजन नहीं होता है। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र के तहत 2500 फैदम या उससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त होता है कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं बी लाल मिट्टी। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टेवेंस स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं, तो इसके अंतर्गत एनीमोमीटर ये इससे बाहर रहते हैं। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत में सरकार की क्षेत्रीय विकास नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में देश के विभिन्न भागों में अनेक सामाजिक आंदोलन उभरे, ऐसे आंदोलन में चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में उभरा था, तो इसके अंतर्गत होगा डी पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 36वें के अंतर्गत फिर से रीजन और वो दिया गया है जिसके अंतर्गत आपको बताना है मेल्टिंग ऑफ द फ्लोटिंग आइसबर्ग्स विल हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑन सी लेवल, और इसका रीजन दिया गया है 90% ऑफ द आइसबर्ग्स सिंक इनटू सी वाटर, तो इसके अंतर्गत इसका इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि इसका होगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 37वां क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के तत्वों को मिलान करना है, तो इसके अंतर्गत आंसर होगा पहला ए, पहला बी, दूसरा सी, तीसरा और डी चौथा। 38वें में भी सूची पहली और दूसरी दी गई है, तो इनमें देखते हैं कि किसका मिलान किससे होगा, तो इसके अंतर्गत इसका मिलान होगा, इसका आंसर है चौथा, ए चौथा, बी तीसरा, सी पहला और डी दूसरा। भारत में निम्नलिखित 5 राज्यों में अनुसूचित जाति जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों में उनकी जाति के आकार के आधार पर निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम की पहचान करनी है, तो इनका अवरोही क्रम कौन सा होगा, इसका आंसर होगा तीसरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, तो ये इसके अंतर्गत तीसरा और चौथा दोनों सही माने गए हैं। द प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम लार्जली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन, एंड द चौथा है द हर्बिवोरस आर कॉल्ड एज ए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, तो इसके दोनों आंसर माने गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इज करेक्ट, तो इनमें से रेनफॉल का करेक्ट ऑर्डर बताना है कि और वो भी डिक्रीजिंग रूप में, तो इसके अंतर्गत होगा आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। 42वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग क्योज ऑफ द एनिमल एक्सटेंशन सिंस 1600 AD
अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स कन्वर्जेशन मॉनिटरिंग सेंटर, और इसके आंसर होगा बी स्पेसिज इंट्रोडक्शन। अब 43वां क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? तो 43वें का आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। नहीं नहीं सॉरी दोस्तों, हाँ सही है इसका, दक्षिणी पूर्वी भाग में। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ द लेंस ग्रीन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओवंस टू द फॉलोइंग फेवरेबल फैक्टर। तो इसके अंतर्गत होगा अबंडेंट कोल अवेलेबिलिटी, इसका आंसर ए सी और डी होगा इसका थर्ड आंसर। तो ये तीसरा मैंने आपको बता ही दिया है, पहला और डी और होगा इसका। तो बात करते हैं 43वें क्वेश्चन की, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? तो यह अवस्थित है दक्षिणी पूर्वी भाग में। अब 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें लोकेशन ऑफ लेन कर्सिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओवंस टू द फॉलोइंग फेवरेबल फैक्टर। तो इसका आंसर होगा तीसरा ए सी और डी। इसके बाद में 45वें की बात करते हैं, तो उसमें भी एक अभिकथन और एक रीजन दिया गया है जिसके अंतर्गत कौन सा होगा ये देखते हैं। तो ये 45वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसका होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। फिर है बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो इनकी बाउंड्रीज किस टाइप की है, उसका आंसर है बी सेकेंड। तो सबसिक्वेंट बाउंड्रीज है इनके बीच में। 47वां क्वेश्चन है, यह किसने परिकलित किया था कि पृथ्वी की परिधि 2500 मील है? सॉरी दोस्तों 25,000 मील है। तो इसके अंतर्गत इसका आंसर है डी एरोटनेस्टीज ने। अब 48वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो परिवार कल्याण से संबंधित घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित समूह में से कौन सा समय अवधिक्रम सही है? तो अब इसका आंसर होगा सेकंड सही। इसमें है मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल उत्तरजीविका व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब 49वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अरेंज द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द डिक्लाइंग क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। तो इसके अंदर कौन सा आंसर होगा वो देखते हैं। इसमें जो 49वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, पहले होगा सी फिर बी फिर ए और फिर डी। 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नीचे दिए गए चित्र के संबंध में से कौन सा अपवाह है प्रतिरूप सही है? तो इनमें देखते हैं कि कौन सा प्रतिरूप सही है। तो इसका है 50वें में दूसरा ध्रुमाकृतिक, इसका ध्रुमाकृतिक सही है। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि हेतु एक आवश्यक बड़ा पोषक तत्व है? तो पोषक तत्व कौन सा बड़ा पोषक तत्व है, इसका आंसर है सी या 3 पोटेशियम। फिर बात करते हैं 52वें क्वेश्चन की, तो प्रत्यागमन मॉडल जहां एक्स बार बराबर है 2.50, वाई बार बराबर है 5.50 और ए बराबर 1.50। तो एक्स बार वाई बार व एक्स वाई के चर के मध्य निर्दिष्टित करता है वह ए स्थिर है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल बी के पैरामीटर का सही मूल्य होगा? तो इसमें 52वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसका आंसर होगा 1.60। 53वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें भी एक अभिकथन और एक उसका निष्कर्ष दिया गया है। तो इसके अंतर्गत इसका आंसर होगा 53वें में दूसरा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
चौवनवे की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के उत्तर दक्षिण विभाजन का आधार कौन सा मानदंड है? तो चौवनवे के अंतर्गत होगा सी आर्थिक विकास। पिछवनवे क्वेश्चन की बात करते हैं तो विद्वानों के नाम को उनके प्रतिपादित सिद्धांत या मॉडल अवधारणा के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसके अंतर्गत होगा इसका आंसर बी ए में चौथा, बी में पहला, सी में तीसरा और डी में सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ फॉर्म फैक्टर इज द करेक्ट एज ए बेसन एरिया इज डोनेटेड बाई ए एंड द मैक्सिमम बेसन लेंथ बींग एल? तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें ए बटा एल स्क्वायर सही आंसर होगा इसका। फिर 57वें की बात करते हैं तो रैली फॉर वैली प्रोग्राम इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ, तो रैली वैली प्रोग्राम किस लिए है? वो है सी रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन। फिर 58 की बात करते हैं तो है भू आकृतियों के निम्नलिखित समूह में से कौन सी अपरदानी विशेषता है? तो इसका आंसर है दूसरा हिम जवार्ग यारडोंग और गार्जर और धौलरंग। इसके बाद बात करते हैं 59वें क्वेश्चन की तो इसका यह है यह डिजिटल इमेज प्रक्रिया जिसमें वह एल्गोरिथम शामिल है जो बिंब में अज्ञात पिक्सलों की जांच करता है और उन्हें बिंब में विद्यमान विभिन्न समूह अथवा क्लस्टर के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में संकलित करता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा अप्रेक्षित वर्ग तकनीक। फिर है 60वां क्वेश्चन तटीय और एस्टुएरी जल कभी कभी काइफेन और मलफेन से प्रभावित होता है, प्राय इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लाल ज्वार या रेड टाइड। फिर 61वें की बात करते हैं तो निम्नलिखित आरेख में उच्च दर्शी वक्र बेसिन के विकास में विभिन्न चरणों को अभिव्यक्त करता है, उपरोक्त आरेख में बेसिन के विकास की सबसे युवा चरण के सही विकल्प को चुनिए। तो इसके अंतर्गत आंसर होगा ए, इसका आंसर है ए फर्स्ट। अब 62वें की बात करते हैं तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व पर किसने पहली बार बल दिया था? तो यह बल दिया था एस जे गोल्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 63वें के अंतर्गत होगा तीसरा उच्च उत्पादक दर। 64वां क्वेश्चन है पेन प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की? तो पेन प्लेन की अवधारणा किसने की? क्रिक में ने। 65वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो सी डी हैरिस और ई एल उलमैन द्वारा प्रतिपादित शहरी ढांचा के बहुकेंद्र मॉडल के नीचे दिए गए आरेख से केंद्र 3, 3 और 6 की शहरी भूमि प्रयोग की पद्धति की पहचान कीजिए। तो इसके अंतर्गत होगा इसका आंसर बी निम्न वर्गीय आवासीय और भारी विनिर्माण। 66वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की समस्त जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलेखित किया है? तो यह अभिलेखित किया है उत्तर प्रदेश ने, सी तीसरा आंसर होगा इसका। भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये इसका आंसर होगा टॉन। 68वें की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित 5 राज्यों में कुल जनसंख्या की मुस्लिम जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है। मुस्लिम जनसंख्या की संबंधित हिस्सेदारी के संदर्भ में इन राज्यों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए।
तो इसमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, इस हिसाब से आएगा। इसका दूसरा आंसर सही होगा। 69वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दो बिंदु ए और बी औसत समुद्र तल से 250 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, उनके बीच की क्षैतिज दूरी 1000 मीटर है, ढाल प्रवणता का निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है? तो 69वें के अंतर्गत होगा इसका 0.25। 70वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सम्मेलन या प्रोटोकॉल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम समूह है सही है? तो 70 में होगा एजेंडा 21, फिर होगा क्योटो प्रोटोकॉल, फिर UNFCCC के दलों की COP10 का 10वां सम्मेलन, और फिर पेरिस समझौता। तो इसका आंसर होगा तीसरा। बात करते हैं 71वें क्वेश्चन की, तो नीचे दिए गए दो कथन है और एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो अभिकथन है, विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और तर्क है, विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो 71वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। 72वें क्वेश्चन में दिया गया है, द रिजोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू सेंसिटिवली ऑफ द रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर टू रिकॉर्ड डिफरेंस इन द पर्सन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नॉन एज। तो इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है बी, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। 73वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 24,000 तथा 6,000 की जनसंख्या वाले दो शहर क्रमशः 18 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो दोनों को विभक्त करने वाला बिंदु होते हुए शहर से कितनी दूरी पर होगा? तो यह बिंदु कितनी दूरी पर होगा? यह होगा 6 किलोमीटर पर। बात करते हैं 74वें क्वेश्चन की, तो कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो 74वें में होगा डी, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। 75वें क्वेश्चन का है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई डी, रेटजेल के द्वारा। 76वां क्वेश्चन है, इफ इन एनी रीजन द लार्जेस्ट सिटी हैज सम पॉपुलेशन दैट विच व्हाट विल बी द पॉपुलेशन साइज फॉर द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द रैंक साइज रूल? तो 76वें क्वेश्चन का आंसर होगा 3,50,000। लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? तो 77वें क्वेश्चन में ये लकड़ी काटने का व्यवसाय आएगा प्राथमिक कार्यकलाप का। यह विचार किसने दिया कि एक हिम युग था, उसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था? तो यह कहा गया एल अगासीज के द्वारा। किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध है? तो यह कहा था टोलमी ने। फिर बात करते हैं 80वें क्वेश्चन की, चल जलीय ढाल सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था RE हर्टन द्वारा। फिर 81वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने नगरीय जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलेखित किया है? तो यह अभिलेखित किया है हरियाणा ने। 82वां क्वेश्चन है, स्तरित प्रतिदर्शी कैसे की जाती है? तो यह की जाती है जनसंख्या के समांग समूह है में बांटते हैं, और उनमें से भी जनसंख्या समान रूप से परंतु यादृच्छिक रूप से चुनते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला। फिर बात करते हैं 83वें क्वेश्चन की, जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम, जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है?
तो ये क्रम है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी। अब 84वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रोस्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है? तो ये लाभ किसमें नहीं है ये देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, नेटवर्क विश्लेषण में अनुप्रयोग। फिर 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानदंड टोर्नेडो को श्रेणीकृत करने के लिए फ्यूजिटा पैमाने के आधार हैं? तो इनमें कौन कौन से ये आधार होंगे ये देखते हैं। तो इसके अंतर्गत है सी और डी, वायु गति और संबंधित संपत्ति का नुकसान। फिर 86वें क्वेश्चन का है, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया? तो एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया हट्टन ने। 87वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो है भू अभिनति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोवर ने कहा, इसको कहा था कैट्रोजन। 88वें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है और एक रीजन है, तो इसका आंसर होगा बी, बोथ ए और आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर 89वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए परिभाषिक पद सेंसस टाउन्स की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें कौन से कथन सही है वो सही है बी, बी और सी। तो जनसंख्या का न्यूनतम आकार 5000 व्यक्ति है और कुल पुरुष मुख्य कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। फिर 90वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो संगना जियोपॉलिटिक किसने सर्जित किया था? तो ये किसने सर्जित किया था, ये किया था केलेन ने। 91वें क्वेश्चन में पहले ये दिया गया है जो पढ़ना है आपको कि स्मिथ ने मांग और राजस्व के प्रभावित करने वाले कारकों के विश्लेषण में एक फर्म का ये दिया था। और अब इसका आंसर करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बाजार क्षेत्र के सामान बिक्री के लिए संस्थानिक संदर्भ में सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है वो है बिक्री घरेलू मांग द्वारा निर्धारित होती है। फिर बात करते हैं 92वें क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया कि बाजार क्षेत्र के अंतर्गत मांगी गई मात्रा के संबंध में पूर्ण लागत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही है? तो यह प्रवृत्ति सही है घटती हुई। फिर कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन डिसीजन ऑफ द फर्म टू टेक कंपेरेटिव एडवांटेज विथ इन मार्केट एरिया इज करेक्ट व्हेन प्राइस ऑफ द गुड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इंक्रीज। तो इसके अंतर्गत आंसर होगा इसका सी, सर्च फॉर अल्टरनेटिव लोकेशन। फिर बात करते हैं उद्योग फर्म को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा चर किसी फर्म के इसके बाजार के समान आपूर्ति करने के लिए फर्म की लागत परिवर्तन हेतु स्थानिक संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर होगा डी, ढुलाई लागत में परिवर्तन। फिर बात करते हैं 95वें क्षेत्र के अंतर्गत किसी फर्म की लागत और राजस्व के बीच के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह है सही ऋणात्मक। फिर बात करते हैं 96वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से वर्ष का कौन सा विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो ये आते हैं डी, 1 जून से 30 नवंबर तक। फिर बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें सही है ए और बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अनेक रूप होते हैं जो आकार, रूप, वेग और मौसम स्थिति के हिसाब से अलग होते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होता है तथा महानगरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से गुजरते हैं। 98वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित निम्न दाब सघन होकर
उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही वे पार करते हैं। तो वे कहाँ से पार करते हैं? वे पार करते हैं अटलांटिक महासागर से। फिर 99 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं है केवल दूसरा, जो कि है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के विनाशकारी खतरे नहीं है। 100वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर तथा अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र को छोड़ देता है? तो इसके अंतर्गत आंसर होगा 40 डिग्री पश्चिम। तो धन्यवाद दोस्तों, आज यहाँ पे सभी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। हमारे आंसर और ये सेशन आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट। थैंक यू।